चांद पृथ्वी का इकलौता प्राकृतिक उपग्रह है जो कि पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काट रहा है, जिसे हमारे पुराणों में देवता का भी दर्जा दिया गया है। धरती पर इंसानों की उत्पत्ति से भी काफी पहले से चांद का अस्तित्व था। चांद सौरमंडल मतलब सोलर सिस्टम का पांचवा सबसे विशाल प्राकृतिक उपग्रह है। चांद की वजह से ही पृथ्वी पर मौसम का बदलाव होता है। चांद जितना खूबसूरत है उतना ही रहस्यमय भी है। क्या आपको ये पता है, अमेरिका ने 1950 में चांद को परमाणु बम से उड़ाने की योजना बनाई थी। चांद का क्षेत्रफल अफ्रीका के बराबर है। जो 12 व्यक्ति चांद पर गए वह सभी अमेरिकी थे। चांद पर पानी है इसकी खोज भारत ने की, जो कि हमने हमारी पिछली वीडियो में बताया था, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। डिस्क्रिप्शन में जाते समय प्लीज एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, और ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करना मत भूलना। तो चलिए बढ़ते हैं चांद की ऐसी ही रहस्यमयी, अनसुनी और रोचक बातें की ओर। आपको यह पता ही होगा कि सबसे पहले चांद पर नील आर्मस्ट्रांग ने कदम रखा। Armstrong is on the moon. Neil Armstrong. क्या आपको ये पता है कि चांद को सबसे पहले किसने देखा? 16वीं सदी तक चांद को किसी ने नहीं देखा था। नेदरलैंड में हंस लिपर्शी एक ऐनक के दुकान के मालिक थे। उन्होंने गलती से मैग्नीफाइंग लेंस को ऐसे रखा कि उस इंस्ट्रूमेंट से दूर का ऑब्जेक्ट पास लगने लगता था। उसके बाद उन्होंने कुछ सुधार के बाद ऑप्टिकल मैग्नीफाइंग इंस्ट्रूमेंट बनाया, जिसकी मदद से बहुत दूर का ऑब्जेक्ट हम देख सकते थे। ऐसे ही गलती से हंस ने ऑप्टिकल मैग्नीफाइंग इंस्ट्रूमेंट बनाया, जिसे कि हम दूरदर्शी यानी टेलीस्कोप कहते हैं। बहुत से लोगों का यह मानना है कि टेलीस्कोप की खोज 1609 में गैलीलियो ने की थी, पर वास्तविक में टेलीस्कोप के निर्माता हंस लिपर्शी है। सन 1609 में इटली के महान खगोलशास्त्री और भौतिक विज्ञानी गैलीलियो गैलीली ने हंस लिपर्शी के टेलीस्कोप से प्रेरणा लेकर टेलीस्कोप यानी दूरदर्शी बनाने की योजना बनाई, और काफी सुधार के बाद वह उसमें सफल भी रहे। उन्होंने ऐसा टेलीस्कोप बनाया जिसकी मदद से चांद और तारों को इतने दूर से आसानी से देखा जा सकता था। नवंबर 3, 1609 को गैलीलियो ने उनका टेलीस्कोप चांद की ओर किया, और उन्होंने चांद को टेलीस्कोप से सर्वप्रथम देखा। और वास्तविक में चांद को सबसे पहले टेलीस्कोप से देखने वाले खगोलशास्त्री थॉमस हैरिट थे, पर उन्होंने चांद पर उतनी रिसर्च नहीं की। 16वीं सदी तक साइंटिस्ट का यह मानना था कि चांद की सतह यानी सरफेस समतल है, पर 1609 में गैलीलियो ने चांद का बारीकी से अभ्यास किया और उनके अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन से यह पता चला कि चांद की सतह यानी सरफेस समतल नहीं है। गैलीलियो ने यह देखा था कि चांद की सतह ऊबड़ खाबड़ है, उस पर पर्वत है, चट्टाने हैं और गड्ढे भी हैं। उनकी ऑब्जर्वेशन से हमें ये पता चला कि चांद की सतह यानी सरफेस समतल नहीं थी। जहाँ की सन 1609 तक सिर्फ चांद को देखा जा सकता था, वही विज्ञान यानी साइंस में बेहतरीन तरक्की के बाद हमने आर्टिफिशियल सैटेलाइट की खोज की। उसकी मदद से हम ब्रह्मांड यानी स्पेस में जाकर करीब से ब्रह्मांड और उनके प्लैनेट और उनकी सैटेलाइट पर रिसर्च कर सकते थे। सन 1957 में सोवियत संघ ने अपना फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पुटनिक 1 स्पेस में लॉन्च किया। उसके 4 साल बाद मतलब 12 अप्रैल 1961 को 27 साल के यूरी गागरिन ने अंतरिक्ष में कदम रखकर इतिहास रच दिया। वह पहले शख्स थे जिन्होंने अंतरिक्ष में मानव उड़ान के युग की शुरुआत की। ये स्पेस मिशन से अमेरिका और सोवियत संघ में कोल्ड वॉर छिड़ गया और उनमें स्पेस रेस की शुरुआत हो गई कि कौन स्पेस में सबसे अधिक रिसर्च करता है। अमेरिका अपनी सुप्रीमेसी यानी प्रभुत्व पूरी दुनिया को दिखाना चाहता था, इसीलिए उसे स्पेस मिशन में भी सबसे आगे रहना था। यही प्रभुत्व यानी सुप्रीमेसी दिखाने के लिए अमेरिका ने सन 1958 में प्रोजेक्ट मर्क्यूरी लॉन्च किया, जो कि पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम था। जैसे कि हमें पता ही है कि सुप्रीमेसी के लिए दोनों देश सोवियत संघ और अमेरिका के बीच कोल्ड वॉर था, मतलब उन्हें स्पेस मिशन में सबसे आगे रहना था। स्पेसक्राफ्ट के अर्थ ऑर्बिट के सफल प्रयास के बाद उनका लक्ष्य था मून यानी कि चांद, पर शुरुआत में लगातार दोनों देशों के मून मिशन फेल होते गए। पर असफलताओं से सीख लेकर और सुधार करके सन 1959 में सोवियत संघ का लूना 2 चांद पर जाने वाला पहला स्पेसक्राफ्ट बना, यानी कि अंतरिक्षयान बना, जो कि चांद की सतह पर जाके गिर गया। वह किसी भी देश का पहला अंतरिक्षयान था जो कि चांद तक जा सके। वैसे ही लूना 3 सोवियत संघ का वो स्पेसक्राफ्ट था जिस स्पेसक्राफ्ट को चांद से होकर गुजरना था। सोवियत संघ उसमें भी कामयाब रहा। ये सफलताओं के बाद सोवियत संघ ने स्पेसक्राफ्ट को चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने का अभियान बनाया। फरवरी 1966 में चांद की सतह पर लूना 9 के जरिए सॉफ्ट लैंडिंग करने में सोवियत संघ कामयाब रहा, और चांद की सतह यानी सरफेस की पहली तस्वीर भी सोवियत संघ ने ही उतारी। उसके 2 महीने बाद लूना 10 चांद के कक्षा को चक्कर लगाने वाला पहला अंतरिक्षयान बना था। इससे चांद की सरफेस के बारे में अध्ययन करने में मदद मिली थी। काफी सफल प्रयासों के बाद सोवियत संघ ने 1968 में जीवित प्राणी यानी लिविंग थिंग्स को चांद पर भेजने का अभियान यानी कि मिशन बनाया, जिसमें कि स्पेस कैप्सूल के जरिए 2 कछुओं को
चांद पर भेजने का मिशन था। क्या वो दो कछुए चांद पर जा पाए? चांद की एटमॉस्फेयर का उन दो कछुओं पर क्या प्रभाव हुआ? आपको ये पता ही है कि अमेरिका और सोवियत संघ के बीच स्पेस रेस लगी हुई थी। शुरुआत में लूना मिशन और अपने बेहतरीन स्पेसक्राफ्ट के द्वारा सोवियत संघ ने अमेरिका को स्पेस रेस में पीछे छोड़ दिया था। फिर अमेरिका चांद पर कैसे पहुंचा? सबसे लोकप्रिय चांद पर किया गया अपोलो मिशन कैसे कामयाब हुआ? नील आर्मस्ट्रांग ने कैसे की चांद पर लैंडिंग और उन्हें वहां क्या दिखा? ये सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए इस सीरीज का अगला वीडियो जरूर देखिएगा, जो कि हमारे चैनल पर जल्दी अपलोड होगा। उसके लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अगले वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलना। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तो किसी के चेहरे पर मुस्कान की वजह जरूर बनना। स्वस्थ रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू।